हम अगर उसमें बैंक में जमा कराते हैं 11 करोड़ रुपए जैसे मैंने जमा करा है इस्लामिक बैंकिंग में, तो वो मुझे प्रॉफिट भी दे सकता है लॉस भी दे सकता है, लेकिन सर कन्वेंशनल बैंकिंग में क्या प्रॉफिट मिलेगा मुझे? अगर जैसे मुझे वो प्रॉफिट हो रहा है इस्लामिक बैंक में तो वो मुझे प्रॉफिट दे रहा है, तो कन्वेंशनल बैंक में क्या प्रॉफिट मिलेगा और इस्लामिक बैंक में क्या प्रॉफिट मिलेगा? इसमें सुनने इसमें बात होगी, कन्वेंशनल बैंक आपसे 11 करोड़ लेगा चाहे उसको लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट देगा, हो सकता है 11 करोड़ से 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, उस 50 करोड़ को आप देखें जो उसने कहा है 11 करोड़ आपको वापस करेगा जो आप, और प्लस 10% या 11% जो प्रॉफिट जो सूद है सॉरी प्रॉफिट नहीं सूद, वो सूद आपको दे देगा। आप कहेंगे तुमने मेरे 11 करोड़ से बहुत कमाया, वो कहेगा तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तुम्हें फिक्स है तुम सूद दे दो। इस्लामिक बैंक में ये होगा 11 करोड़ से अगर उसने 50 करोड़ कमाए तो वो जो शेयरिंग रेशियो है आपका उसके हिसाब से बटेगा, लेकिन एक नुकसान बहुत बड़ा है अगर ये 11 करोड़ डूब गए आपके, जो भी पैसा आपने जमा कराया वो डूब गया तो फिर क्या होगा? वो पैसा डूब गया खत्म। फर्ज करें अगर इंडिया ने जंग कर दी पाकिस्तान से और ये इस्लामिक बैंकों के पास पैसा पड़ा हुआ है, मीजान के पास पड़ा हुआ है, बैंक इस्लामी में पड़ा हुआ है, इन्होंने प्रोजेक्ट लगाए हैं और इंडिया ये बम से धमाकों से उड़ा दे तो सारे इस्लामिक बैंक जो होंगे तबाह हो जाएंगे और आप लोग भी बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन कन्वेंशनल बैंक में ये होगा, कन्वेंशनल बैंक पे तो लायबिलिटी है, कहीं से भी देंगे आपको, ये पक्का।